हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए सॉलिड स्टेट की नेक्स्ट वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है ठोसों में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ठोसों में चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टॉपिक लगाते हैं ठोसों में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ठीक है भैया, तो ठोसों में जो चुंबकीय गुण हुआ करते हैं, वो मुख्यतया जो उत्पन्न होता है वो ठोस पदार्थों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। किसी भी ठोस पदार्थ के अंतर्गत या किसी भी पदार्थ के अंतर्गत जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, वो उस पदार्थ के अंतर्गत उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण होता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो प्रकार की गति करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है खुद में, किसी भी ठोस पदार्थ के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो खुद एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है, सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसलिए अब चुंबकीय गुण किसकी वजह से उत्पन्न हुआ किसी पदार्थ के अंतर्गत? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स के अंतर्गत जो गति होती है वो होती है दो प्रकार की, एक को कहते हैं अपन कक्षीय गति और दूसरी होती है आपकी चक्रण गति। कक्षीय गति जो होती है वो नाभिक के चारों ओर होती है, जबकि चक्रण गति जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो अपनी अक्ष पर उपस्थित या अक्ष पर चक्रण होता है, अक्ष पर गति होती है, यानी अक्ष पर घूर्णन के कारण जो गति होती है उसे कहते हैं चक्रण गति। तो ध्यान दीजिए, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे अपन कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और भैया चक्रण गति के कारण उत्पन्न जो आघूर्ण होता है उसे अपन चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं। जैसा कि ठोस पदार्थों के अंतर्गत इन दोनों गतियों के कारण उत्पन्न जो आघूर्ण होता है उसी को क्या बोला जाता है? अपन चुंबकीय गुण के नाम से जानते हैं। अब इन गतियों के कारण जो ठोस पदार्थों के अंतर्गत जो चुंबकीय गुण होता है वो बहुत कम होता है। इस बहुत कम वैल्यू को अपन एक छोटे से मात्रक के अंतर्गत मापा जाता है, जिसे अपन कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, MB के नाम से जाना जाता है, बोर मैग्नेटॉन। और इसकी जो वैल्यू हुआ करती है वो होती है 9.27 × 10⁻²⁴। 9.27 × 10⁻²⁴ एमीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर के रूप में होती है, AM स्क्वायर के रूप में हुआ करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोसों में चुंबकीय गुण। ठीक है ना, तो किसी भी पदार्थ या ठोस कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ या ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुणों इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होता है। और एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की भांति, सूक्ष्म
एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना, सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन निम्न दो प्रकार के, कितने प्रकार के भैया, निम्न दो प्रकार की गतियां करते हैं। पहली गति कौन सी है? पहली गति को कहते हैं नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, और दूसरी होती है भैया आपकी अपनी अक्ष पर, अपनी अक्ष पर चक्रण गति। ठीक है, ये दो गतियां करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो गतियां करता है, जिनके डायग्राम को अपन इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कक्षीय गति जो होती है, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर ये होती हैं वृत्ताकार कक्षाएं। इन कक्षाओं के सापेक्ष इनमें गति करता है इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण ये कौन सी गति है? कक्षीय गति। ठीक है, ये तो गया आपका नाभिक, नाभिक, और ये क्या है भैया आपका? इलेक्ट्रॉन्स, और ये कहलाता है आप लोगों का चुंबकीय आघूर्ण। ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। ठीक है, तो ये गति कौन सी है आपकी? कक्षीय गति। ये कहलाती है भैया आपकी कक्षीय गति। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है जो इन कक्षाओं के अंतर्गत गति कर रहा है, इस तरह से गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये गति की दिशा है इलेक्ट्रॉन्स की, नाभिक के चारों ओर। दूसरी गति कौन सी भैया आपकी? चक्रण गति। चक्रण गति जो हुआ करती है वो इस प्रकार की होती है, नाभिक के अपनी अक्ष पर गति करता है इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोगों की वृत्ताकार कक्षा हो गई इस तरह से, ये इसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी अक्ष पर गति करता है इस तरह से। तो ये कौन सी कहलाएगी आपकी? चक्रण गति के नाम से जानता है, और ये क्या कहलाता है आपका? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये क्या है? नाभिक, और ये जो गति है वो कौन सी कहलाती है आपकी? चक्रण गति कहलाती है, जो अपनी अक्ष पर गति करता है इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर जो गति करता है कक्षीय गति, उस कक्षीय गति के कारण उत्पन्न जो आघूर्ण होता है उस आघूर्ण को कहते हैं अपन कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और चक्रण गति के कारण उत्पन्न जो आघूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की, इसलिए क्या कह सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, और चक्रण गति के कारण
उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण चुंबकीय चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। इन दोनों जिनका मान, ऐसे कह सकते हैं, जिनका मान बहुत कम होता है, जिसे बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन कहीं कहीं पर दे रखा है Mb, या इसको कहते हैं μb। बोर मैग्नेटॉन में ज्ञात किया जाता है, जिसका मान, यानी जिसका मान क्या है भैया, 1 mb, या इसे कहते हैं μb की जो वैल्यू होती है वो 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये इतनी वैल्यू कम है कि इसका मान कितने भैया, 1 mb की जो वैल्यू है या μb की जो वैल्यू है वो 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ठोस पदार्थ हैं उनको चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भैया, 5 भागों में बांटा जाता है। तो आइए, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है ना। इन्हें 5 भागों में, कितने भागों में भैया, 5 भागों में बांटा गया है। ठोस पदार्थ कितने भागों में बांटे गए भैया, 5 भागों में। पहला नंबर 1 है आपका, जिसे कहते हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। दूसरा होता है आपका प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तीसरा होता है आपका लोहे चुंबकीय, ठीक है, लोहे चुंबकीय। चौथा होता है आपका प्रति लोहे चुंबकीय, और भैया पांचवा होता है लघु, या इसे कहते हैं फेरी, लोहे चुंबकीय। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक,
इसे कहते हैं पैरा मैग्नेटिक। ये होता है आपका डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ये होता है आपका फेरोमैग्नेटिक, ये होता है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक, और ये होता है भैया आपका, ये फेरो है, ये होता है आपका फेरी मैग्नेटिक। ये पांच भागों में ठोस पदार्थों को वर्गीकृत किया जाता है। अब इन पांचों को एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ या इनको कहते हैं अनुचुंबकत्व, दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकत्व, तीसरा लोहे चुंबकीय या लोहे चुंबकत्व, और प्रतिलोह चुंबकीय या प्रतिलोह चुंबकत्व, और एक होता है लघु या फेरी चुंबकत्व। ठीक है ना, तो एक एक का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर एक है आपका अनुचुंबकीय पैरा मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक के बारे में यदि अपन बात करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय ठोस, तो बेठोस जिनके अंतर्गत अयुग्मित संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा इस गुण को अनुचुंबकत्व पैरा मैग्नेटिक के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत तो जो ऐसे ठोस भी हो सकते हैं जिनमें परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, अथवा आयन हो सकता है, लेकिन उनके पास में क्या होना चाहिए आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए, एक या एक से अधिक। तो ऐसे ठोस पदार्थ, वो ठोस कौन से हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा इस गुण को क्या बोलेंगे, अनुचुंबकत्व, गुण को अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकत्व कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये आकर्षित होते हैं। इसमें ना तो अपन प्रबल शब्द लगाएंगे और ना ही दुर्बल शब्द लगाएंगे, यानी ना तो अपन ये कह सकते हैं कि ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, और ना ये कह सकते हैं कि दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं या आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इनको यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं भैया, आकर्षित होते हैं।
दूसरी बात क्या है कि इस प्रकार के पदार्थों के अंतर्गत द्विध्रुव बन जाता है, स्थायी द्विध्रुव बनता है, ठीक है ना। और इनमें स्थायी द्विध्रुव बन जाता है या होता है यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए, यदि इनके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यदि इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में से हटा लिया जाए तो इनका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, अर्थात ये अस्थायी चुंबक का गुण रखते हैं। जैसे आपका O2 है, इस O2 के अंतर्गत यदि देखा जाए तो जैसा कि 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था MOT थ्योरी, उस MOT थ्योरी के आधार पर ही अपन O2 की अनुचुंबकीय प्रकृति को दिखा सकते हैं, जिसके अंतर्गत तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंतर्गत ABOH कहते हैं सॉल्ट के अंदर में, तो वहाँ पर इसके अंतर्गत दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, 2PZ स्टार ला करके पाई 2PZ स्टार और पाई 2PY के अंतर्गत X और Y में, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से Cu+2 है, Fe+2 है, आप 3 है आप लोगों का, टाइटेनियम का ऑक्साइड है आप लोगों का, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड है जैसा कि इसमें देख रहे हैं +2, तो यहाँ पर भी +2 है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है आप लोगों का, टाइटेनियम का Ti2O3 भी कह सकते हैं ऑक्साइड है ये। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं या यौगिक हैं या आयन हैं या अणु हैं वो भी क्या है, अनुचुंबकीय प्रकृति रखते हैं, जिनके अंतर्गत कम से कम एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय के नाम से जाने जाते हैं, तथा इसके इस गुण को या इनके गुण को क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व के नाम से जाना जाता है, ये बताया था अनुचुंबकत्व, ठीक है। दूसरा जो आता है वो होता है भैया आपका प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय डाइमैग्नेटिक के नाम से जाना जाता है, चलो इसको भी हटा देते हैं, डाइमैग्नेटिक। नंबर 2 क्या है, प्रतिचुंबकीय डाई मैग्नेटिक चुंबक प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो भैया ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अंतर्गत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या ये कह सकते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन
युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी अयुग्मित अवस्था में नहीं होना चाहिए, युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इस गुण को, गुण को क्या बोलेंगे भैया, प्रतिचुंबकत्व, डाइमैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से कैसा हो जाता है, प्रतिसंतुलित हो जाता है या नष्ट हो जाता है। इन पदार्थों में, पदार्थों में एक इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसके विपरीत, विपरीत चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से प्रतिसंतुलित, प्रतिसंतुलित हो जाता है, हो जाता है, फलस्वरूप परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण इनका शून्य होता है। कैसा होता है भैया, शून्य होता है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत ये क्या होते हैं भैया, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये पदार्थ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे दो तीन एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे NaCl है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाएंगे। बेंजीन है आपका, C6H6 है आपका। जल है आपका H2O। ये सभी कैसे होते हैं, इनके सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरा है आप लोगों का लोह चुंबकीय। कौन सा भैया, लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब आता है लोह चुंबकीय थर्ड नंबर का। लोह चुंबकीय फेरी मैग्नेटिज्म, फेरो
मैग्नेटिक, लोहे चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक। तो लोहे चुंबकीय पदार्थ ऐसे ठोस पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। क्या कहलाएंगे आपके? लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा इनके गुण को लोहे चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे ठोस पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा इस गुण को क्या बोला जाता भैया? लोहे चुंबकत्व कहते हैं, लोहे चुंबकत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लिया जाए तो इनका चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होता है, अर्थात ये स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। तो इनके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए तो इनका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है, अर्थात ये स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। यदि इनके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यदि इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाए तो इनका चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होता है, अर्थात ये स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे एक तो आपका फेरस है, निकल है, कोवाल्ट है आपका, क्रोमियम का ऑक्साइड है आप लोगों का, फेरस, कोवाल्ट, निकल, गैडोलीनियम है, जीडी, गैडोलीनियम आदि। ये जो पदार्थ होते हैं, जो खासकर डी ब्लॉक के तत्व हैं, तो इन डी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत फेरस, कोवाल्ट और निकल, इनके अंतर्गत मुख्यतया लोहे चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जो स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात इनसे स्थायी चुंबक बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों है? इनका चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो ठोस पदार्थ होते हैं, इन ठोस पदार्थों के अंतर्गत छोटे छोटे पदार्थ होते हैं। इन छोटे छोटे पदार्थ जो अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, उन्हें कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन के नाम से रहते हैं, अव्यवस्थित तरीके से पड़े रहते हैं। मैंने क्या बोला कि जो आपके ठोस पदार्थ होते हैं, वो ठोस पदार्थ के छोटे छोटे खंडों में अव्यवस्थित रहते हैं।
इन छोटे छोटे खंडों में को जो अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं उन्हें डोमेन के नाम से जाना जाता है। जब इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तो ये जो आपके डोमेन हैं, अव्यवस्थित जो टुकड़े हैं इनके, वो टुकड़े क्या है, व्यवस्थित हो जाते हैं। और व्यवस्थित होने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो टुकड़ों के इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा के अंतर्गत व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से, जैसे ये आपका एक इलेक्ट्रॉन्स है इधर, इस तरह से ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कह रहे हैं डोमेन संरचना, जिनमें क्या पाए जाते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब इनको जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तो ये जो डोमेन होते हैं वो एक निश्चित स्थिति में, निश्चित संरचना में व्यवस्थित इस प्रकार से होते हैं कि इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन संरचना है उनकी दिशा एक ही हो जाती है, जिसके कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण के वैल्यू में या मान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो ये जो डोमेन संरचना है वो किसकी कहलाती है भैया, लोह चुंबकीय पदार्थ की कहलाती है, ठीक है। ये कहलाते हैं लोह चुंबकीय की डोमेन संरचना, इस तरह से ये संरेखित हो जाते हैं एक ही दिशा में, ठीक है। तो यहां अपन इस तरह से इसको व्यक्त करेंगे भैया कि अब जरा देखिएगा, इस प्रकार के ठोस पदार्थों के, इस प्रकार के ठोस पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े अव्यवस्थित तरीके से पड़े रहते हैं, जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़े एक निश्चित निश्चित संरचना में व्यवस्थित इस प्रकार से होते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन की दिशा एक ही साइड में हो जाती है, जिससे इसके चुंबकीय आघूर्ण में वृद्धि हो जाती है। इस संरचना को डोमेन संरचना, क्या बोलते हैं भैया, डोमेन संरचना कहते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन संरचना के नाम से जानी जाती है। तो अपन अभी कह रहे थे कि जो आपके ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोस पदार्थों
छोटे छोटे खंडों के अंतर्गत अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं। जैसे इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तो ये छोटे छोटे जो खंड होते हैं वो इस प्रकार से एक व्यवस्थित संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की दिशा एक साइड में हो जाती है, एक दिशा में हो जाती है, जिसके कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा स्थायी चुंबकों का निर्माण किया जाता है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं छोटी सी, इनसे तो स्थायी चुंबक बनती हैं लेकिन कभी कभी जो पहले पुराने ज़माने के अंतर्गत जो टेप रिकॉर्डर चलते थे उनकी जो टेप हुआ करती थी, उनकी जो फिल्म हुआ करती थी, एक पतली सी रील होती थी चमकदार, उसका निर्माण जो होता है वो क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा, क्रोमियम ऑक्साइड। तो यहाँ कह सकते हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा रेडियो टेप रिकॉर्डर की फिल्म बनाई जाती है। क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा टेप रिकॉर्डर की फिल्म बनाई जाती है। ये थोड़ा सा अपने पास में है कि क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो टेप रिकॉर्डर जो होते हैं उनकी क्या बनाई जाती है, फिल्म बनाई जाती है, कैसेट बनाई जाती है, ये मान लो, ठीक है ना। फिल्म का मतलब कैसेट से है, कैसेट बनाई जाती है। तीसरा है भैया, सॉरी चौथा है आपका प्रतिलोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो जैसा कि अभी बता रहे थे कि इनके अंतर्गत जो डोमेन संरचना होती है, इन डोमेन संरचनाओं के आधार पर ये जो लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय, और एक आएगा आप लोगों का लास्ट पाँचवा नंबर का लघु लोह चुंबकीय या फेरी चुंबकत्व, ठीक है ना। तो इनको डोमेन संरचना के आधार पर प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, एंटी फेरो मैग्नेटिक। तो इनके अंतर्गत जो डोमेन संरचनाएं होती हैं वो एक दूसरे के द्वारा क्या हो जाती हैं, प्रति समानांतर हो जाती हैं, जिसके कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है वो घट जाता है या नष्ट हो जाता है परस्पर। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें डोमेन संरचना परस्पर प्रति समानांतर परस्पर प्रति समानांतर या क्या कह सकते हैं, विपरीत हो जाती हैं, या ऐसे कह दो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, ऐसे समझो हो जाती हैं, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय कैसे थे, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ये कैसे होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
तथा इस गुण को क्या बोलेंगे भैया, प्रति लोहे चुंबकत्व कहते हैं, प्रति लोहे चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है, प्रति लोहे चुंबकत्व कहते हैं। तो इनके अंतर्गत जो डोमेन संरचना रहेगी वो इस प्रकार से रहती है। यदि एक डोमेन संरचना में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की तरफ होगी तो दूसरे डोमेन के अंतर्गत उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दिशा प्रति समानांतर होगी, समांतर एवं प्रति समानांतर। ऐसे ही इस तरह से एक डोमेन की इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की तरफ तो दूसरे डोमेन की संरचना की दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह एक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो दूसरे डोमेन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार के ठोसों में चुंबकीय आघूर्ण या ठोसों का ऐसे कर लो चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, क्योंकि एक डोमेन के कारण, एक डोमेन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण प्रति समांतर, नहीं ऐसे करो, उसके विपरीत चक्रण वाले डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण से प्रति संतुलित हो जाता है। ध्यान ये रखें कि यहाँ पर जो थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बताया था, एक तो बताया था प्रति चुंबकीय लोहे चुंबकीय और एक हो गया प्रति लोहे चुंबकीय। फर्स्ट नंबर का बताया था अपन ने अनुचुंबकीय और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीयों का तो जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका टोटल जीरो नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा अल्प मान रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रति लोहे चुंबकीय, जिसके एग्जाम्पल कह देते हैं, जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लो इसके भैया, जैसे मैग्नीज है आपका, मैग्नीज के जो ऑक्साइड होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, Mn, Mn2O3, Mn3O4 और एक होता है क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3, वो इस श्रेणी के इसमें क्या है प्रति लोह चुंबकत्व के उदाहरण होते हैं ETC, ठीक है भैया। लास्ट चलते हैं, इसकी डोमेन संरचना आपके सामने है, ये प्रति लोहे चुंबकीय डोमेन संरचना है, प्रति लोहे चुंबकीय की डोमेन संरचना है, ध्यान दीजिए। और एक लास्ट वाला है आपका लघु लोहे चुंबकीय या फेरी चुंबकीय,
लघु, लो है चुंबकीय, या इसको कहा जाता है हैरी, लो है चुंबकीय। हैरी मैग्नेटिक इसके अंतर्गत ये है आप लोगों का कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं यदि उस डोमेन संरचना को देखा जाए तो ये डोमेन संरचनाओं के आधार पर तीन पदार्थों को या तीन पदार्थों के चुंबकीय गुण की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है। इनके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपकी जो डोमेन संरचनाएं होती हैं उनमें समानांतर और प्रति समानांतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्णतया प्रति संतुलित नहीं हो पाते हैं, अर्थात इस डोमेन संरचना के अंतर्गत दो इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय गुण होता है उसकी दिशा तो होती है ऊपर की तरफ, लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो इसके होती है भैया विपरीत। तो इन तीन इलेक्ट्रॉनों में से दो जो आपकी डोमेन संरचना में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इनके कारण तो इनका चुंबकीय गुण हो जाता है जीरो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के कारण इसके अंतर्गत क्या है चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण लोहे चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षा कैसा होता भैया कम होता है, ये कहलाता है आपका लघु लोहे चुंबकीय या फेरी लोहे चुंबकीय पदार्थ। तो ऐसे ठोस पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लोहे चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं लघु लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लघु लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके इस गुण को क्या बोलेंगे भैया अपन फेरी चुंबकत्व या लघु लोहे चुंबकत्व फेरी चुंबकत्व कहते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों की डोमेन संरचना पदार्थों की जो डोमेन संरचना है डोमेन संरचना में दो डोमेन के इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसा समझो दो डोमेन के इलेक्ट्रॉन की दिशा एक साइड में यानी ऊपर की ओर ऐसे मान लो, लेकिन तीसरी डोमेन के इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत दिशा में यानी
नीचे की ओर, विपरीत दिशा में होती है, जिसके कारण इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ये आपको डोमेन संरचना है। ये तीन इलेक्ट्रॉन यदि अपन देखते हैं तो इसके अंतर्गत दो इलेक्ट्रॉनों की दिशा तो क्या है, ऊपर की तरफ, लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉनों की दिशा कहाँ है भैया, आपके नीचे की तरफ। तो इन दो के कारण तो इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाना चाहिए था, लेकिन एक की वजह से इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, इसलिए इनका चुंबकीय गुण जो होता है वो लोहित चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षा कैसा होता है, कम पाया जाता है। जैसे हेमेटाइट Fe3O4 फेराइट, या मैग्नेटाइट कह सकते हैं, ठीक है ना, हेमेटाइट मैग्नेटाइट एवं एवं M+2 Fe2O4 M+Fe2O4 इन्हें कहते हैं फेराइट। आदि जहां M+2 जो है आपका ध्यान दें, M+2 यानी द्विसंयोजी कोई भी धातु आयन हो सकता है, Mg+2 Ca+2 ठीक है, इस तरह का Ba+2 Zn+2 जहां M+2 आदि हो सकते हैं, आदि हो सकते हैं। अब यदि थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन पर ताप के प्रभाव की बात कर लेते हैं, काहे की बात कर लेते हैं भैया, ठोस पदार्थों का जो चुंबकीय गुण होते हैं उन पर ताप का प्रभाव दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो ठोसों के चुंबकीय गुण पर, ठोसों के चुंबकीय गुण पर ताप का प्रभाव, ये देखिए चुंबकीय गुण पर ताप का प्रभाव। यहाँ देखेंगे कि यदि अपन ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण या ठोस पदार्थों में यदि ताप में वृद्धि की जाए तो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय जो गुणों के आधार पर ठोसों को वितरित किया गया था उनमें से एक को बताया था आप लोगों का प्रति चुंबकीय, एक को लोहित चुंबकीय, लघु लोहित चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो उच्च ताप पर सीधी सी बात है जब ठोस पदार्थों के ताप में वृद्धि की जाती है तो ठोस पदार्थ अपने एक रूप को दूसरे में परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे ताप वृद्धि करने पर, ताप वृद्धि करने पर ठीक है भैया, ताप वृद्धि करने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ
प्रतिचुंबकीय पदार्थ काई में अनचुंबकीय अनचुंबकीय में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से लोहे चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो कायम भैया लोहे चुंबकीय पदार्थ लघु लोहे चुंबकीय में परिवर्तित हो जाते हैं और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो अनचुंबकीय में प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ काई में अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित परिवर्तित हो जाते हैं जिसका कारण यानी ये एक दूसरे में परिवर्तित जो हो रहे हैं ना उसका मुख्य कारण क्या रहेगा भैया आपका इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण ही तो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ था जिसका कारण उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण परिवर्तित हो जाता है यह इलेक्ट्रॉनों का चक्रण या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण होता है। ठीक है